सम्मोहन उपचार पाठ 27 हिप्नोथेरेपी सेशन भाग 2 सम्मोहन के लिए किस प्रकार तैयार करते हैं। उद्देश्य यह होता है कि क्लाइंट को जवाब देने के लिए तैयार करना है, उसकी एक आदत पैदा करनी है कि वो लगातार जवाब देता रहे, साथ के साथ चेतन मन को भी बिजी रखना होता है। ये सारे करने के लिए अनेकों प्रकार के वर्बल और नॉन वर्बल कार्य किए जाते हैं। इन कार्यों को 3 भागों में बांटकर समझते हैं। पहला भाग सिटिंग पोस्चर, यानी किस प्रकार बैठाया जाए। उसके बाद सवाल पूछे जाएं तो किस प्रकार पूछे जाएं, और सम्मोहन करने के लिए जो अभ्यास करना है वो किस प्रकार करें। आओ इन तीनों को थोड़ा विस्तार से समझें। सिटिंग पोस्चर, क्लाइंट को बैठने के लिए कहें और साथ में बोलें कि अपनी कमर सीधी रखें, यानी उसको ठीक से बैठाएं। सहारा लेकर आमतौर पर लोग बैठते हैं, तो हमने बताना है कि आप सहारा ना लें। इसके लिए बेहतर होगा कि ऐसी कुर्सी का प्रयोग करें जिस पर सहारा हो ही नहीं, जैसे कि एक गोल स्टूल होता है। आप लोगों ने नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स के पास इस प्रकार के स्टूल जरूर देखे होंगे। हमें इस बात का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार के कपड़े पहने जाएं, किस प्रकार के जूते पहने जाएं, या किस प्रकार का खाना खा कर आए, वगैरह वगैरह। फिर हमने कुछ सवाल पूछने हैं क्लाइंट से, लेकिन सवाल पूछने के लिए कुछ कंडीशंस पैदा करेंगे। जैसे हम कहेंगे कि जो मैं सवाल पूछूंगा वो सवाल सिर्फ हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है, और वो भी बोले बगैर। यानी हाँ कहेंगे तो सर ऊपर से नीचे हिलाएंगे, और ना कहेंगे तो दाएं बाएं हिलाएंगे। और ये सारी बातें करते वक्त आंखों में आंखें डालकर जवाब देंगे। इन कंडीशंस के साथ कुछ सवाल, 6-7 सवाल पूछे जाते हैं। इन सवालों में आखिर के 2 सवाल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं कि जब आपकी आंखें बंद होती है तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं या आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आधार ही सारा इमेजिनेशन पर निर्भर है। अगर क्लाइंट को किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो उसके सवालों का जवाब दें। यानी अगर उसको ये पता ही ना हो कि इमेजिनेशन होता क्या है, तो आपने समझाना है जब आप किसी के बारे में सोच रहे होते हैं तो हकीकत में आप इमेजिन कर रहे होते हैं, मन में एक चित्रण बना रहे होते हैं। ये सारी बातें करने के बाद फिर कहें कि अब आपके मन के कार्य प्रणाली को मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, और आगे का सत्र इसकी वजह से और बेहतर होगा। अब जब मैं सवाल पूछूं तो आपने बोलना है। उसके बाद इंडक्शन एक्सरसाइज की जाएगी, यानी अब क्लाइंट को हिप्नोसिस में लाने के लिए एक क्रिया की जाएगी। अगर ये सेशन पहला है तो ऐसी क्रिया करें जिसके अंदर कोई भौतिक कार्य किया जाए, और इस प्रकार की क्रिया का चुनाव करने से पहले ध्यान रखें कि क्लाइंट की उम्र क्या है और उसका लिंग क्या है। जैसे छोटा बच्चा है तो उसमें ऐसी क्रिया हो जो थोड़ी चंचल और जल्दी होने वाली हो, और महिला है तो हमने ध्यान रखना है कि उसमें कितनी दूर से, कितनी छूने से या ना छूने से वो क्रिया होती है। समाज के जो भी विश्वास हैं और जो व्यवसायिक मान्यताएं हैं, उन सब का हमने ध्यान रखना है। बीच बीच में हम कुछ चैलेंज भी देते हैं, जैसे आपकी आंखें बंद हैं वो बंद ही रहेंगी, या आपका हाथ बहुत कठोर हो गया है। इस प्रकार की बातें कहने से क्लाइंट के मन में और ज़्यादा लोड बढ़ता जाता है। जब जब हम क्लाइंट के साथ कार्य कर रहे होते हैं
तो हमें नोट करना चाहिए कि क्या क्या घटित हो रहा है, और जो घटनाएं हम अवलोकन करते हैं उसका समय समय पर फीडबैक देना चाहिए। अगर आपका क्लाइंट बहुत ही धीमी गति से चल रहा है तो बेचैन मत होइए, क्योंकि सारे लोग एक ही गति से बातें ना तो सुनते हैं, ना तो समझते हैं, और ना ही उन पर प्रतिक्रिया करते हैं। तो आज के पाठ में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।